खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का अगर कोई देता है उसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी अधिकारी होंगे उसको पकड़ लिया जाएगा। सर, शिवराज सिंह चौहान रोजाना विकास कार्यों की घोषणा कर रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पैसा है नहीं, 1,000 करोड़ का लोन ले रहे हैं, उसके बाद अभी मेरे यहाँ अनूपपुर में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी के और करीब 350 करोड़ रुपये की लागत कार्यों का उन्होंने भूमि पूजन किया। भूमि पूजन ही नहीं, कार्यों का शुभारंभ किया। हमने जो प्रस्ताव दिया था सबके उन्होंने टेंडर कराया, टेंडर स्वीकृत कराए, इसके बाद कार्य शुभारंभ कराने के लिए गए थे, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। पहले की सरकार तो सिर्फ घोषणा करती थी, शिवराज सिंह मौके पर उन कार्यों को शुभारम्भ कर रहे हैं। सर, कांग्रेस विधायक के लिए जाँच की जा रही है, हम लोग निष्पक्ष जाँच कर रहे हैं। अगर कहीं पे अनियमितता होती तो जांच के आदेश क्यों दिया जाता? हम तो कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो और जो भी जांच में दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, जो अधिकारी हैं ज्योति नरवानी, उनको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी जैसे जाँच रिपोर्ट आएगी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के होने के बावजूद भी आकस्मिक बैठक इस खाद्यान्न के लोग लेकर हुई है, ऐसा क्यों? कब? 2-3 दिन पहले। इसलिए हुई है कि हम लोग इस मास से माननीय शिवराज सिंह जी और खाद्य विभाग निश्चित कर रहा है 1 सितंबर के बाद निकल गया। हम 16 सितंबर को पूरे प्रदेश में उन गरीबों को राशन देंगे जिनका पर्ची पत्र नहीं बना था, तो ये सुनिश्चित किया गया है कि 16 सितंबर तक सभी को राशन कार्ड की पर्ची दे दिया जाएगी। इसी दिशा पर लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि 16 सितंबर के बाद जिनको जिनका राशन पर्ची नहीं बना था उनको भी राशन पर्ची उपलब्ध कराएंगे और सभी को खाद्यान्न की व्यवस्था की। सर, जो घटिया चावल वितरण किए उनके ऊपर क्या कार्रवाई? वही कह रहा हूँ कि अभी जांच चल रही है और अब वो EW अपना निष्पक्ष जांच कर रही है, हमारे दबाव में छोड़े कि आप हमारे फेवर में करें। जब भी रिपोर्ट आएगा जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। काला बजारी पार्टी पहले अपने गिरवान में झांक है, मैं भी कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना सदस्य हूँ, मैंने 84 से गिराया था, मुझे भी बड़ा विश्वास था कांग्रेस पार्टी पर। विश्वास इसलिए था कि जब चुनाव का समय आया था तो मैं भी उस घोषणा पत्र बनाने में शामिल रहा। हमने उस घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि अब 2 लाख तक का किसानों का कर्जा हम लोग माफ़ करेंगे जब हमारी सरकार आएगी, वो काम नहीं कर पाए। दूसरा, हमने वादा किया था कि कोई माता बहने अगर अपने बच्चियों को शादी करेगा तो 51,000 रुपया देंगे, एक व्यक्ति को 51,000 रुपया नहीं मिला। हमने भी वादा किया था कांग्रेस पार्टी में कि अगर हमारी सरकार बनती तो जो शिक्षित लोग उनको 4,000 रुपया महीना रोजगारी भत्ता देगी, वो भी नहीं कर पाए। तो इन तमाम वादे जो रहे इन वादों को कांग्रेस सरकार पूरा नहीं कर पाई और जिस घोषणा को लेकर हम लोगों ने पब्लिक के बीच में गया था, अब पब्लिक हमसे जवाब मांगना चालू किया कि 15 महीना सरकार हो गई आपने को काम नहीं किया, तो हमारे पास मंजूरी थी। ऐसे झूठे घोषणा वाले लोगों के साथ नहीं रहना है और पब्लिक का जो वादा किया है उनको जो पूरा करेगा उसके साथ रहेंगे। इसलिए पार्टी का दौरा है।